नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के थाना रोहनिया में हौसला बुलंद बदमाशों ने थाना लक्षा पर तैनात दरोगा को गोली मारकर घायल करने की घटना पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। खबर है कि वाराणसी के थाना रोहनिया में बदमाशों ने लक्षा थाने पर तैनात दरोगा अजय यादव को रोहनिया क्षेत्र स्थित जगतपुर नहर के पास से जब वे गुजर रहे थे उसी समय उन्हें घेर लिया और मारपीट करने के साथ ही उन पर गोली चलाकर घायल कर दिया। इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश दरोगा की पिस्टल, मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गए। गोली से घायल दरोगा दौड़ते हुए रोहनिया क्षेत्र के अनंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। फिलहाल दरोगा जी का ऑपरेशन करके गोली निकाल दिया गया है, वे खतरे से बाहर हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर वाराणसी ए सतीश गणेश मौके पर पहुंच गए और पूरे जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान शुरू हो गया। देखिए, ऐसा है, थाना लक्षा पे तैनात उपेक्षक अजय यादव आज अपने निजी प्लॉट पे, निर्माणाधीन निजी प्लॉट पे, जो कि थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे शाम को करीब 6-6:30 बजे के बीच में पहुँचे हैं। वहाँ पर 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया। एक फायरआर्म इंजरी इनके शरीर पर पाई गई है। डॉक्टरों से जो हमने अभी तक बात की है उसके मुताबिक इनकी कंडीशन एकदम नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का इनको जीवन भय नहीं है। सीटी स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, लेकिन ये गंभीर घटना है और कमिश्नरेट पुलिस ने इसको पूर्ण गंभीरता से लिया है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। हमारी 5 टीमें, जिसमें टेक्निकल टीम भी लगाई गई है, वो इस घटना के खुलासे के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास होगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको शीघ्र से शीघ्र शिनाख्त करें और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी। सर, बदमाशों की गोली से घायल होने के बाद दरोगा जी अनंत हॉस्पिटल रोहनिया में अपना इलाज कराने पहुंचे। देखिए क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर। आए थे तो होश में ही आए थे। अच्छा, अपना पैदल दौड़ते हुए आए। अच्छा, पैदल दौड़ते हुए? हाँ, दौड़ते हुए आए। गोली लगी है, इमरजेंसी में ले जाया गया, फिर उनका सीटी स्कैन एक्सरे हुआ। अच्छा, तो फिर उसे उसकी मतलब आए, उसके डॉक्टर आर के शर्मा आए, उसको देखे, उनको आईसीयू में अभी एडमिट किया गया। कितनी गोलियां लगी थी? क्या है उनकी? एक गोली कहाँ लगी थी? फेफड़े के बगल में, फेफड़े के लगा, सीने में दाहिने तरफ लगी है, फेफड़े को बचाते हुए गई है। अभी क्या कंडीशन है डॉक्टर? अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी खतरे में ही मारा जा। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के साथ एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। बताते चले कि 2015 बैच के दरोगा अजय यादव लक्षा थाने में तैनात हैं। जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वे अपने निजी प्लाट का निर्माण देखने गए थे और बदमाशों ने उन्हें गोली मार दिया। फिलहाल इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ कि दरोगा को बदमाशों ने क्यों गोली मार दिया। पूरे मामले की पड़ताल के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुँच गई है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।